इस वीडियो में दो डिजाइन की पट्टी बताऊंगा मैं आपको। ये 2 इंच की पट्टी है, वाइट पट्टी है जो किचन के अंदर देते हैं अपन सामने डबल बॉक्स में, जो किचन बनता है अपना उसका। ये किचन बने हुआ है कंप्लीट ब्लैक ग्रेनाइट में। और ये जो नीचे ऊपर दोनों पट्टी देख रहे हैं ये सिंगल सिंगल पट्टी है दोनों भी। ऊपर एक किचन और बताता हूँ मैं आपको, उसमें दोनों में डबल पट्टी ली हुई है। जो पट्टी देख रहे हैं ये डबल में ली है और बीच में वाइट आर्टिफिशियल ग्रेनाइट की पट्टी फिटिंग की हुई है, और बाद में बीच में एक गोल्डन कलर की पट्टी फिटिंग की हुई है उसमें। इसका एक आइडिया ले सकते हैं अभी, इससे एक आइडिया ले सकते हैं आप किचन की, जो वाटर पट्टी के नीचे जो डिजाइन पट्टी डालते हैं उसका एक आइडिया मिल जाएगा। इसमें दो सूत अंदर ली हुई है जो पट्टी देख रहे हैं, ये ग्रेनाइट की धार जो देख रहे हैं इससे दो सूत अंदर ली हुई है। ऊपर की नीचे की जो दोनों पट्टी है उससे दो सूत अंदर है, जिससे ये गंदी नहीं होंगी एक तो, और इसको कोई भी चीज़ लगेंगी नहीं बार बार, जिससे ये डैमेज नहीं होंगी। और ये टाइल्स की पट्टी है, रेडीमेड जो टाइल्स की पट्टी आती है वो है। 2 फुट लंबाई है इसकी और 2 इंची चौड़ाई है इसमें, 2.5 इंची की भी आती है। और अलग अलग डिजाइन की पट्टी आती है इसमें, गोल्डन सिल्वर अलग अलग डिजाइन में आती है और अलग अलग कलर्स में आती है ये। और ये करीबन अपने को ये मिल जाती है, रेट की अगर बात करेंगे तो रेट में ये अपने को 100 रुपये से 150 रुपये की पट्टी मिल जाती है। एक पट्टी मिलेंगी है 100 से 150 रुपये की। और ऊपर में देख सकते हैं इसको 2 इंच की पट्टी लगा रखी है और अंदर की साइड से इसको चैम्पर मारे हुआ है कम्प्लीट। ये चैम्पर मार के फिटिंग किया हुआ पूरा कम्प्लीट इसको। ये यहाँ का भी जॉइंट देख सकते हैं, फिनिशिंग अच्छी की हुई है इसकी। जो सेरामिक टाइल्स की ब्लेड आती है उससे कटिंग करके ये फिटिंग किया हुआ है ग्रेनाइट की पट्टी को। अभी एक पट्टी और बता देता हूँ आपको इसमें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ऐसे नए नए आइडिया और नई नई डिज़ाइन के साथ में किचन की डिज़ाइन आती रहती है। अभी इसका पूरा कंप्लीट काम होने के बाद में इसका पूरा वीडियो आएगा टाइल्स लगने के बाद में। अभी ये पट्टी का फिटिंग चालू है, जो वाटर पट्टी बोलते हैं अपन। इसके अंदर जो वाइट पट्टी देखने को मिलेंगी, ये दो डिजाइन का एक आइडिया ले सकते हैं एक ही वीडियो के अंदर। इसमें वाइट आर्टिफिशियल पट्टी दे रखी है सामने से नीचे और ऊपर दोनों ही पट्टी में, और बीच में एक गोल्डन पट्टी देख सकते हैं इसकी। इसका अभी पूरा साफ सफाई होने के बाद में बढ़िया दिखेगा, ये अच्छा दिखता है, दिखने में लुक अच्छा आ जाएगा इसका। और ये एल टाइप का ही किचन ओटा ये है, और एल टाइप का ही नीचे का किचन ओटा था। ये 1 इंच की पट्टी है इसमें, और जो पहले बताया वो 2 इंच की पट्टी थी इसमें। इसको सीमेंट में फिटिंग कर रहे हैं और जॉइंट में इसमें एरोडाइट लगाएंगे, जिससे पानी लकीज नहीं होगा इसका। ये ऊपर की पट्टी है कंप्लीट, अभी इसका फिटिंग कर रहे हैं। ये पूरा कंप्लीट इसको सीमेंट लगा दिया और अभी इसका फिटिंग करना बाकी है। ये सामने का इसका क्रॉस जॉइंट कटिंग देख सकते हैं, टाइल्स की ब्लेड से इसका कटिंग किया हुआ है कंप्लीट। इसके ऊपर की जो पट्टी देख रहे हैं ये पट्टी की भी चौड़ाई 2 इंची ली हुई है, ये कंप्लीट जो पट्टी देख रहे हैं। अंदर की साइड से इसको 1/2 इंच का चैम्पर मारे हुआ कंप्लीट, जो ऊपर रहेगा टॉप से, ये टॉप जो देख रहे हैं इससे 1/2 इंच ऊपर रहेगा ये, बाकी टॉप के नीचे चला जाएगा। इसकी जो ऊपर की धार है उसको साफ करके अभी एरोडाइट लगा रहे हैं इसको। इससे अभी ये जो सेट हो जाएंगी और जॉइंट में पानी जाएगा नहीं इसमें नीचे, जॉइंट लकीज नहीं होगा। और बाद में इसको ब्लैक ऑक्साइड से भी इसका जॉइंट फिनिशिंग कर सकते हैं पूरा कंप्लीट काम होने के बाद में। इसकी टॉप की जो चौड़ाई की बात करेंगे, चौड़ाई में ये अपना 30 इंच के आसपास रहेगा इसकी पूरी कंप्लीट चौड़ाई।
ये जॉइंट में भी अभी एरोडाइट लगा दिया है जिससे जॉइंट लकीज नहीं होगा और बढ़िया फिनिशिंग आ जाएंगी इसकी, अभी पॉलिश हो जाएंगी जॉइंट की कंप्लीट। ये अभी इसको फेविक्विक लगा दिया है जिससे ये हिलेंगी नहीं, जो सादा सीमेंट रहती है वो सेट होने तक ये इसको पकड़ के रखेंगी जिससे अपना हिलने का डर नहीं रहेगा इसको बाजू से अगर काम करते हैं अपन तो। ये पूरा कंप्लीट फिटिंग हो गया है इसका, अभी अभी साइड पत्थर इसका फिटिंग हो जाएगा, उसमें भी वाइट पट्टी लिया हुआ है कंप्लीट। इसमें जो ये वाइट पट्टी देख रहे हैं इसकी जगह दूसरी पट्टी भी ले सकते हैं, जो भी अलग अलग डिजाइन में आती है मार्बल की रेडीमेड पट्टी आती है वो भी फिटिंग कर सकते हैं इसमें। और ये जो गोल्डन कलर की पट्टी देख रहे हैं ये भी अलग अलग कलर्स में डिजाइन में मिल जाती है, वो भी फिटिंग कर सकते हैं इसके साथ में। अभी इसको हाथों हाथ साफ कर लेंगे जिससे इसका सीमेंट का दाग रहेगा वो हाथों हाथ निकल जाता है, जिससे गंदी नहीं होगी और बाद में निकालने में दिक्कत रहती है, तो उसको हाथों हाथ साफ कर लिए। जो पट्टी देख रहे हैं पट्टी को, इसमें अंदर गड्ढे हैं जिसकी वजह से ये परेशानी जाती है इसमें साफ़ होने में, अंदर अगर इसमें सीमेंट चला गया तो वो जल्दी साफ़ होता नहीं बाद में अगर सेट हो गया सीमेंट तो। इसका भी पूरा कंप्लीट काम होने के बाद में वीडियो आएगा साइड पत्थर और ऊपर का वॉल टाइल लगने के बाद में, ये वॉल टाइल पूरा सीलिंग टच तक है इसका, और सामने भी एक पट्टी लग जाएगा उसका टाइल के नीचे 3 से 4 इंच का पट्टी लग जाएगा। मालक 5 लाख कितने इसका सीमेंट नहीं निकलेगा। ये पूरा कंप्लीट इसका फिटिंग और सफाई हो गया है, अभी इसका साइड पत्थर लगेगा और साइड पत्थर लगने के बाद में इसका ऊपर का वॉल टाइल लगेगा और वॉल टाइल लगने के बाद में इसका पूरा वीडियो आएगा एक कैसा इसका लुक रहता है किचन का पूरा कंप्लीट। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिए। और ये गोल्डन कलर जो पट्टी देख रहे हैं ये 2 फुट बाई 1 इंच की है, लंबाई इसकी 2 फुट है और चौड़ाई में 1 इंच ही है इसकी, 2 इंच 2.5 इंच अलग अलग पट्टी मिलती है। ये टाइल्स जो आती है ग्लेस टाइल अपनी वैसी डिजाइन है इसकी, वो मटेरियल में बनती है ये कंप्लीट टाइल्स में। इसमें मार्बल की भी रेडीमेड पट्टी आती है, जो 2 इंच की रेडीमेड पट्टी आती है वो भी फिटिंग कर सकते हैं इसमें। नीचे की जो पट्टी देख रहे हैं ये 5 इंच की पट्टी ली हुई है कंप्लीट, जो 3 इंच ही जो स्टैंड देख रहे हैं स्टैंड के ऊपर सपोर्ट है और बाद में स्टैंड से 2 इंच बाहर लिया हुआ इसको।